मौसम परिवर्तन के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी तेज हो गया है, जहां लोगों को खांसी, जुकाम, मलेरिया, निमोनिया की बीमारियों में इजाफा हुआ है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल महाराणा भोपाल चिकित्सालय के आउटडोर में मरीजों की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ने लगी है। वहीं इन दिनों MB हॉस्पिटल में खांसी, जुकाम, मलेरिया सहित अन्य बीमारियों के मरीजों में वृद्धि हुई है। अस्पताल अधीक्षक RL सुमन ने बताया कि पिछले दिनों मौसम में हुए परिवर्तन के साथ ही अब मौसमी बीमारियों के प्रकोप में वृद्धि हुई है, इससे MB अस्पताल के आउटडोर में मरीजों की भीड़ बढ़ी है। पिछले दिनों की तुलना में इस बार काफी वृद्धि हुई है। अधीक्षक ने कहा कि आम लोगों को जिस तरह से कोरोना के समय में नियमों की पालना की थी, ठीक उसी तरह नियमों की पालना अभी भी करनी होगी। वहीं किसी तरह की बीमारी लगने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेते रहें, जिससे बीमारियों से बचा जा सके। हाँ, देखिए, अभी जिस तरीके से होली का मौसम होता है, जब तापमान में बदलाव आता है कि दिन में कई बार ऐसा लगता है गर्मी हो रही है, परंतु सुबह शाम की सर्दी वैसे हो रही है, और खासकर अभी पिछले दो दिन पहले जिस बारिश हुई है इसके बाद में अचानक बदलाव और भी आया है, तो कुछ मरीज बढ़े हैं। उसमें खासकर सर्दी, जुकाम, निमोनिया, सांस के अटैक्स वाले, जो अस्थमेटिक अटैक्स है, ये वाले मरीज़ ज़्यादा हैं इस तरीके से, और काफ़ी संख्या में बढ़े हैं। करीब करीब आप कह सकते हैं कि हमारा आउटडोर अब 20-25% बढ़ गया पहले से, और ये मरीज़ ज़्यादातर जो अभी आ रहे हैं वो सर्दी, जुकाम, निमोनिया वाले ही मरीज़ आ रहे हैं, और काफ़ी भर्ती को भी ज़रूरत करनी पड़ रही है इसमें से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सांस की जो तकलीफ़ वाले मरीज़ हैं, उनका जो एक दूसरे से फैलाव जो होता है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ही होते हैं, जो पहले कोविड के लिए, सार्स के लिए, स्वाइन फ्लू के लिए, तो ये एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के ही रूप होते हैं। और इनमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इनमें जो दो चीज़ों का यदि हम ध्यान दें कि भाई, जो दो कॉफ अटिकेट्स जिसको हम बोलते हैं कि सर्दी जुकाम हो तो मतलब छींके नहीं, बाहर नहीं करें, अपने रुमाल में छींके, बाजू में छींके, इधर उधर स्पिटिंग नहीं करें, और इसी के साथ में मास्क पहन के रखें और हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, तो ये कोविड के जैसे बर्ताव था उसी तरीके से कोविड बिहेवियर को हम अपना करके चलेंगे तो ये रेस्पिरेटरी बिहेवियर के एक डेफिनेशन में आते हैं, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। सर, कितने मरीज अभी तक बढ़े होंगे, ज़्यादातर क्या मिलता है? देखिए, अलग से आइसोलेशन वायरल इन्फेक्शंस का बड़ा बहुत मुश्किल काम है, परंतु बाकी जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से और जो मरीज की जो अचानक नंबर बढ़ने से, या उनके घर परिवार में जिस तरह की होता है, एक नहीं साहब घर में 3-4 लोग बीमार होते हैं, तो ये सारे एक फीचर्स जो होते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ये वायरल इलनेस है। बाकी कल्चर आइसोलेशन ये एक अलग प्रोसेस होती है, तो वो भी अभी चल रही है, जिस तरीके से आज रिपोर्ट हुई है आगे F3N2 के केसेज आ रहे हैं कुछ इस तरह की, तो हमारे यहाँ पे भी अभी इस तरह के प्रोसेस में, तो डेफिनेटली हम यदि सरकार की गाइडलाइन होगी तो उस प्रोसेस में भी जाएंगे, परंतु जो लक्षण से बाकी जो इलाज से इस तरह की लेबोरेटरी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से ये वायरल इन्फेक्शन। ठीक है।